हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस, जैसे मैंने बताया, जर्मन में दो फ्यूचर टेंस होते हैं, फुटुआ आइंस एंड फुटुआ जुआए। मगर यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको फुटुआ आइंस बताने जाने वाली हूँ, क्योंकि फुटुआ आइंस जो है, एक तो फुटुआ जुआए जो है बहुत ही रेयरली जर्मन यूज़ करते हैं। सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए आप फुटुआ जुआए जो है पढ़ सकते हैं, बट वो इतना यूज़ नहीं होता। हालांकि यूज़ तो फुटुआ आइंस भी बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें बाकी वर्ड्स के साथ, जैसे मॉर्गन, इन 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 वर्ड्स के साथ जो है फुटुआ आइंस बनाया जाता है या फ्यूचर टेंस बोला जाता है। मगर फुटुआ आइंस स्टिल हैव सम प्लेस, सम इम्पॉर्टेंट प्लेस इन दी ग्रामर। इसीलिए मैंने आज ये वीडियो स्पेशली फुटुआ आइंस पर ही कॉन्सेंट्रेट करके बनाया है। ओके, सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर टेंस यूज़ कहाँ पे होता है। वी यूज़ दिस टेंस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, जब हम भविष्य की बात करते हैं। इन दिस केस वी यूज़ दी ऑक्सिलियरी वर्ब वेयर डेन मतलब होता है विल। जब हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं तो हम लोग इस ऑक्सिलरी वर्ब को यूज़ करते हैं, जैसे हमने पहले वीडियोस में देखा जाइन और हाबिन के साथ परफेक्ट बनता है, मगर फ्यूचर जो है वो वेयर डेन के साथ बनता है। एंड द रूल फॉर क्रिएटिंग द फ्यूचर आइंस इज एज फॉलोज। ऑक्सिलरी वर्ब आएगा वेयर डेन प्लस इन्फिनिटिव वर्ब एंड ऑफ द सेंटेंस। आम एंड, ये एंड में आएगा ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, इश वेयर्ड डॉयच लेयरनन, या इश वेयर्ड डॉयच लेयरनन। इश वेयर्ड मीन्स आई विल लर्न जर्मन, कब पढ़ूंगी, भविष्य में पढ़ूंगी। इश विल इश आई विल लर्न जर्मन, आई विल लर्न जर्मन, मैं जर्मन पढ़ूंगी, भविष्य में पढ़ूंगी। इसीलिए हम लोग ने इश वेयर्ड यहाँ पे कॉन्जुगेट हुआ, इश वेयर्ड डॉयच लेयरनन। लेयरनन इन्फिनिटिव फॉर्म है और बिल्कुल रॉ फॉर्म जो है एंड में आएगी। अब ये टेबल जो है ये एक्सिलरी वर्ब की कॉन्जुगेशंस बताता है। इसमें मैंने सिंगुलर प्लूरल करके ही जस्ट बेसिक दिया है। इश वेयर्ड आई विल, डू वेयर्स्ट यू विल, एजी एस वेयर्ड ही शी इट विल। फिर से सुनिए, एर जी एस वेयर्ड, ना डा ही है, डाक वाला ड आएम एंड में आएगा वेयर्ड। इश वेयर्ड डू वेयर्स्ट एर जी एस वेयर्ड, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, ये बहुत वेयर्ड साउंड कर रहा है। एग्जैक्टली सेम प्रोनंसिएशन है, एर जी एस वेयर्ड। फिर आता है वी आर वेयर्डन, ear wear debt, z wear den, wear den, v a r सबको पता है where, जैसे क्वेश्चन होता है where is do, who are you, where, सेम उच्चारण है। we are wear den, we will, ear wear debt, you will या you all will, z wear den, they all will या they will। बहुत इजी है दोस्तों, फ्यूचर फिटुआ आइंस इज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल, इसमें ज़्यादा तामझाम है नहीं। मैंने बहुत वीडियो मिनिमलिस्टिक रखा है, बहुत छोटा रखा है, क्योंकि ये वाकई बहुत सिंपल टेंस है, बहुत बहुत कम ही यूज़ करते हैं। यूज़ होता है, मैं ऐसा नहीं कहती यूज़ नहीं होता, बट कम लोग यूज़ करते हैं। और वो आपको भी धीरे धीरे समझ में आने लगेगा जब आप खुद देखेंगे कि अरे यार, ये तो ज़्यादातर किसी और ही टेंस में बोल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। यहाँ पर मैंने बिल्डिंग जी जेट्स बिल्ड द सेंटेंसेस रखा है, और ये जो फॉर्मेटिंग है ये आगे पीछे है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर वन में माइन मुठा, दूसरा है नेक्स्टन मोन्टाग, नेक्स्टन मोन्टाग, फिर है जेक्सिश वेयर्डन। अब आपको इनको रीअरेंज करना है और एक सेंटेंस बनाना है, मतलब समझते हैं। माइन मोटर मेरी माँ, नेक्स्ट मोन्टा, नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब होता है नेक्स्ट, आपको समझ में, नेक्स्ट मीन्स नेक्स्ट, हाँ अगला, नेक्स्ट मोन्टा मतलब अगला,
अगला सोमवार, जेक्सिश मीन्स साठ, वेर्डन मीन्स विल। तो इससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि जैसे आप बोल रहे हैं कि मेरी माँ जो है अगले सोमवार को 60 साल की हो जाएंगी। आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, माई मदर विल बी 60 ऑन नेक्स्ट मंडे, या माई मदर विल टर्न 60 ऑन नेक्स्ट मंडे। अब इसी के अकॉर्डिंग आप जर्मन को फ्रेम कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि वेर्डन वर्ब है, सेकेंड नंबर पे ये डेफिनेटली आएगा। तो कैसे आएगा, माइन मोटर वियर्ड, माइन मोटर। अब यहाँ पे अगर माइन मोटर हटा दूँ तो जी भी आ सकता है, क्योंकि वो एक लेडी है, वाइबलिश है, फेमिनिन है, इसलिए जी वियर्ड, शी विल टर्न माइन मोटर वियर्ड नेक्स्ट मोन्टाग जेक्सिश। माई मदर विल टर्न 60 ऑन नेक्स्ट मंडे। फिर से एक बारी देखिए, माइन मोटर वियर्ड नेक्स्ट मोन्टाग जेक्सिश। अब आप इसको जो सेंटेंस की इंफॉर्मेशन है वो स्वैप भी कर सकते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा सेट्स बाओ इज वेरी इम्पॉर्टेंट, और जर्मन लैंग्वेज में काफ़ी तरीके से स्वैपिंग वर्ड्स की होती है। ये भी अपने आप में एक फुल ग्रामर है। एंड मैं इस एग्जाम्पल में आपको एक, मैंने सिर्फ एक हिंट दिया है कि कैसे ये होते हैं, बट इस पर मैं एक पूरा वीडियो कवर करूँगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आप नेक्स्ट इन मोन्टाग पहले कर सकते हैं, नेक्स्ट इन मोन्टाग वियर्ड माइनर मोटर जेक्सिश, ये दोनों ही अपने आप में करेक्ट सेंटेंसेस हैं। जैसे हिंदी में बोलेंगे कि मेरी माँ अगले सोमवार 60 की हो जाएंगी, या इसको कैसे बोल सकते हैं, या अगले सोमवार मेरी माँ 60 की हो जाएंगी ना। आप हिंदी में भी तो आगे पीछे इन्फॉर्मेशन स्वैप कर देते हैं, मगर सेंटेंस सुनने में तो सही लगता है। इसी तरीके से आप डॉयच लैंग्वेज में भी आप ये इजीली कर सकते हैं, स्वैपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टर्न आप समझ गए, नेक्स्ट टर्न मीन्स अगला ना, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मोन्टा। फिर आता है नंबर टू, एंजेला जिशा आइन बेर्यूम्ट जेंगरिन वेर्डन। पहले मतलब समझते हैं, एंजेला लड़की का नाम है, जिशा, जिशा मतलब होता है श्योर होना, किसी चीज़ पे पक्का होना कि ये तो होएगा ही होएगा, मतलब श्योर हूँ मैं, है ना। आइन बेर्यूम्ट जेंगरिन अ फेमस सिंगर। बेर्यूम्ट मतलब होता है फेमस होना, कोई प्रसिद्ध है बहुत ज़्यादा, बोलते हैं आइन बेर्यूम्ट जेंगरिन, जा जहाज वाला, जेंग गे रिन। हमेशा जिल्ब बाई जिल्ब आप तोड़ के पढ़िए तो आप इजीली पकड़ पाएंगे कि आप क्या बोल रहे हैं, जेंग जेंग रिन, आइन बेर्यूम्ट जेंगरिन वेर्डन। ओके, इससे आपको क्या पता चलेगा कि एंजेला जो है शॉर्ट शॉर्ट आने वाले समय में एक बहुत ही प्रसिद्ध गायिका होने वाली हैं, बनने वाली हैं। जैसे एंजेला विल डेफिनेटली बिकम अ फेमस सिंगर। आपको इंग्लिश में समझ में आ गया, हिंदी में समझ में आ गया, दिमाग में अब जर्मन में कैसे बनेगा। एंजेला वियर्ड, एंजेला फिर से लड़की है, आप इसको जी वियर्ड भी कह सकते हैं, एंजेला वाइब्लिश है, फेमिनिन है। आप हमेशा दिमाग में यही चीज़ें आप वर्ड्स आप बोलते चलिए साथ साथ में, तो आपको पता चलेगा ओके, शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ फेमिनिन, शी इज़ वाइब्लिश, तो ज़्यादा वर्ड्स भी याद होंगे। एंजेला वियर्ड कंजुगेट हुआ है, एंजेला वियर्ड जिशा आइन बेर्यूम्ट जेंगरिन, मतलब एंजेला विल शॉर्ट बिकम अ फेमस सिंगर इन कमिंग ईयर्स। आप देखिए, आपने इसको और थोड़ा सा अपने दिमाग में आप सोचिए तो इन कमिंग ईयर्स शी विल डेफिनेटली बिकम अ गुड सिंगर, है ना। तो इन कमिंग ईयर्स भी एक तरीके का फ्यूचर टेंस दर्शाता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो कि किस तरीके से वियर्डन जो है यूज़ किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आते हैं नंबर थ्री एग्जाम्पल में, नंबर थर्ड, माइनर टॉक्टर बाल्ड एस्टन वेर्डन। माइनर टॉक्टर मेरी लड़की, मेरी बिटिया,
meine Tochter bald, bald मतलब होता है soon, ये इंग्लिश वाला बाल्ड नहीं है, वो तो बॉल्ड होता है मतलब गंजा, यहाँ पे बाल्ड, इट्स नॉट बोल्ड इट्स बाल्ड, बा आ बाल्ड, बाल्ड मीन सून, एस्टिन, एस्टिन आपको पता ही होगा डॉक्टर या डॉक्टरनी जैसे हम कहते हैं डॉक्टरनी साहिबा, तो क्योंकि लड़की है माइने डॉक्टर है, माइन जॉन होता तो आर्स्ट होता, पर यहाँ पे माइने डॉक्टर फिर से वाइबलिश है, फेमिनिन है, एस्टिन वेयरडन मीन्स, आपको थोड़ा हिंट इसको समझ में आ गया होगा कि मेरी लड़की जो है जल्दी ही डॉक्टर बनेगी, फ्यूचर में बनेगी, अभी नहीं है, अभी पढ़ रही है मगर आगे बनेगी फ्यूचर में ना, तो माई डॉटर विल बिकम डॉक्टर सून या माई डॉटर विल बी डॉक्टर सून, जर्मन में कैसे बोलेंगे, माइन टॉक्टर नंबर टू पोजिशन पे आएगा वर्ब वेयरडन, तो वेयरडन कंजुगेट हो गया, जी वेयर्ड या फिर माइन टॉक्टर वेयर, माइन टॉक्टर वेयर्ड बाल्ड एयरस्टिन, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बाल्ड वेयर्ड माइन टॉक्टर एयरस्टिन, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं, माइन टॉक्टर वेयर्ड बाल्ड एयरस्टिन, मेरी बेटी जल्द ही डॉक्टर बनेगी। ये रहा, ये था दोस्तों फुटुआ आइंस, इट्स वेरी सिंपल, सिर्फ एक आपको वर्ब ये याद रखना है वेयरडन, वेयरडन और भी ग्रामर में यूज़ होता है बट डेफिनेटली विल भी वेयरडन से ये बनता है, और ये बहुत इजी है याद करने में, कोई टेंशन नहीं है, कोई इसमें मगजमारी ज़्यादा है नहीं, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज देयर, आप मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपको उसका सल्यूशन दूंगी। ओके दोस्तों, ये था हमारा फ्यूचर टेंस में फुटुआ आइंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चर्स।